ओके अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद दयानत। आज मैं ज़रा बाहर निकला हूँ इंटरव्यू लेने के लोगों का, और मैं भाई से पूछूंगा कि ये भी आईपीएल भी देखते हैं, पीएसएल भी देखते हैं, और बात करेंगे कि आज जो है पीएसएल के 500 जो बंदे थे उनको संभाल के हमने एक पीएसएल मुकम्मल नहीं कराया, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग 2000 बंदों के साथ पूरी हो रही है। तो भाई से बात करते देखते हैं इनके क्या सिनेरियो, इनका क्या देखने का नज़रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अब्दुलरज़ाक। अब्दुलरज़ाक भाई, आपने देखा कि 500 बंदों के साथ जो है हमने पीएसएल को पूरा नहीं करवाया, जिस तरह के पिशावर जलमी की तरफ से कुछ गलतियां हुई और पीएसएल हमारा कैंसिल हो गया। लेकिन अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग देखते हो तो वहां पर 2000 बंदों को लेकर उन्होंने पहले भी एक टूर्नामेंट करवाया यूएई में, और अब वो इंडिया में भी करवा रहे हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आईपीएल? जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि पीएसएल ज़्यादा बेहतर चल रहा है या आईपीएल चल रहा है, और पीएसएल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी जो जून में वापस आ रहा है पीएसएल, तो हो पाएगा मुकम्मल? इंशाल्लाह हमारा पीएसएल इस दफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ अपने पाकिस्तानी जो है लोगों की वजह से, जो है ना, नाकामियों की वजह से। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी कुछ गलती थी जिसकी वजह से ये कोविड के केसेस निकाले और हमारा पीएसएल कैंसिल हो गया, बट इंशाल्लाह तो इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। आपको अपना नाम क्या बताया? अब्दुलरज़ाक। अब्दुलरज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह यहाँ से काट अगला किसी का।